हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलेट गुरुकुल। मैं चंदन सर, एंड टुडे इन दिस लेक्चर आई विल सॉल्व सम मैथमेटिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू ग्रेविटेशंस। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। नाउ हियर इन फ्रंट ऑफ यू व्हाट आई रिटन सम फॉर्मूला रिलेटेड टू ग्रेविटेशंस। ओके, सो लेट रिवाइज देम। व्हाट फर्स्ट, ओके, सो फोर्स इक्वल्स टू जी एम वन एम टू बाय डी स्क्वायर। इफ हैव अ मास एम वन एंड एम टू एंड सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस डी, then the formula for force of attraction is what? G m1 m2 by d square. And second is what? The acceleration due to gravity, small g is equals to g m by r square. Okay? अगर आपने मेरे lecture number 1, 2 and 3 देखे होंगे gravitations के, so आपको ये समझ में आएगा. Where g is a gravitational constant, m is a mass of earth and r is a radius of the earth. Okay? Now, इक्वेशन ऑफ मोशन, सो न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन थे जो यहाँ पर मैंने लिख दिया आपके लिए, वो क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड फाइनल थर्ड वन v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, वेयर व्हाट इज v? फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन एंड t इज अ टाइम, एंड एयर s इज वॉट? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? सो ये हो गया। आफ्टर दैट मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी समझाई थी, जिसका फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जी एम एंड स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच। ओके, सो हियर कैपिटल एम इज अ मास ऑफ अर्थ एंड स्मॉल एम इज वॉट? मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ आर एट पर्टिकुलर हाइट एच। ओके, हियर माइनस एन इंडिकेट्स वॉट? The object is bonded to the earth because of negative potential energy. Clear? Now finally, escape velocity. Escape velocity का formula है under root 2 g m upon r. Okay? And second formula ये भी है कि under root 2 g r. Here small g है, that is acceleration of gravity, and r is the radius. Clear? So इतने formula enough है हमें आज के problem को solve करने के लिए. Clear students? So, अगर आपको सब लर्न हो गया है तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। ओके, सो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सो अगेन वेलकम टू एलेट गुरुकुल। नाउ प्रॉब्लम ऑन ग्रेविटेशन। सो बिफोर गोइंग टू अंडरस्टैंड, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट, हम सबसे पहले प्रॉब्लम को रीड करेंगे, प्रॉब्लम को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे और शुरू करेंगे मैथमेटिकल solutions. ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल what इज गिवन, फर्स्ट प्रॉब्लम रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, एन ऑब्जेक्ट टेक्स वॉट 5 seconds टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 meters ऑन अ प्लैनेट, वॉट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी ऑन द प्लैनेट? स्मॉल जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मैं यहां समझा देता हूं क्या है। एक ऑब्जेक्ट है, 5 seconds लेता है रीच करने को ग्राउंड पर। ओके, सो लेट कंसीडर एक प्लैनेट है, चलिए ये एक प्लैनेट है। क्लियर? मैं पूरा प्लैनेट नहीं बना रहा हूं। ओके, दिस इज प्लैनेट। ओके, एक ऑब्जेक्ट है जो कि 5 seconds लेता है रीच करने को ग्राउंड पर। तो ये ग्राउंड है, तो ये ऑब्जेक्ट, लेट कंसीडर दिस इज ऑब्जेक्ट। ओके, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ओके, कितना टाइम लेता है रीच करने के लिए? 5 seconds। ओके, फ्रॉम हाइट ऑफ 5 meters। अब ये जो हाइट है ये कितना है? 5 meters। ओके, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट? तो बताइए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ दैट प्लैनेट कितना होगा? ओके, सो यहां पर जो भी गिवन है, सबसे हम लिखेंगे टाइम कितना दिया है हमें। चलिए आप लिखता हूं टाइम। सो टाइम गिवन है हमें 5 seconds। ओके, 5 seconds। और क्या गिवन है हमें? दिया है हाइट। ओके, सो हम हाइट को डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, एस या यहां पर एच है तो हाइट। क्लियर? सो हाइट है यहां पर 5 meters। ओके, नाउ अगर ऑब्जेक्ट यहां से यहां फॉल हो रहा है तो ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। सो पहले ऑब्जेक्ट रुका हुआ होगा फिर वो गिरेगा। ओके, सो इनिशियल वेलोसिटी कंसिडर करते हैं 0 है। ओके, So, यहां हम लिखने वाले हैं इनिशियल वेलोसिटी 0 meters per second। क्लियर? फाइंड आउट क्या करना है? जी, जी पर क्वेश्चन मार्क है, बहुत छोटा है। हमने 3 कैंडमेड इक्वेशन देखे हैं,
उन्हें वापस से देख लेते हैं। ये रहे तीन कैनोनिकल इक्वेशन, हमें क्या गिवन है, टी एस और जी और यू, तो बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ओके सो इसमें देखो एस एस नहीं है तो ये फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं होगा। सेकेंड में हाइट है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, ओके, टाइम हाफ, एक्सेलरेशन और टी, यहां पर एक्सेलरेशन प्लेस पे जी आएगा, तो ये वाला फॉर्मूला हमारे काम का है। अब आप पूछोगे ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं, क्योंकि इसमें फाइनल वेलोसिटी भी है और जिसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास बिल्कुल नहीं है, तो हम सिर्फ और सिर्फ सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन ही अप्लाई करेंगे। समझ में आया, तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स चलो स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला लिखता हूं यहां पर मैं, क्या है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ, ए की जगह मैं लिखूंगा जी, ओके, बिकॉज यहां पर ग्रेविटी रिलेटेड चल रहा है, जी टी स्क्वायर। नाउ वैल्यू पुट करते हैं, एस की यहां पर वैल्यू कितनी है, फाइव, ओके, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो जीरो प्लस हाफ, ओके, जी, जी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ओके, तो जी को ऐसे लिखते हैं इन टू टी स्क्वायर। अब टी कितना है, टी है फाइव सेकेंड, तो फाइव सेकेंड का स्क्वायर, क्लियर। नाउ अब देखते हैं यहां पर क्या हुआ, फाइव का फाइव, ये जीरो तो हट जाएगा, ये वन बाय टू इन टू जी को एज इट इज, फाइव का स्क्वायर 25, क्लियर स्टूडेंट्स। अब यहां पर सॉल्व करता हूं, थोड़ा स्पेस है हमारे पास, अब ये फाइव टू जा 10 हो जाएगा, दैट मीन्स 10 इक्वल्स टू जी इन टू 25, सो जी का आंसर क्या हो जाएगा, जी इक्वल्स टू 10 बाय 25, ओके, सो जी का आंसर कितना आया, 10 बाय 25। अब 25 टेबल आप रीड करोगे तो 25 फोर जा 100 होता है, बट यहां पर 10 है तो कितना आएगा, 25 फोर जा, तो मैं इसको कट करूंगा, अगर ये जीरो होता तो 0.4 आंसर आया, 25 फोर जा 100, सो जी का आंसर आया हमारा 0.4, कितना है स्टूडेंट, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, सो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, हमसे ही पूछा गया था, ओके, सो बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत छोटा था, इजीली सॉल्व हो गया, ओके, तो क्लियर आ गया आपको, 0.4 ये हमारे जी का आंसर है, हमसे जी ही पूछा था, ओके, क्लियर। तो अब चलते हैं सेकेंड प्रॉब्लम पर, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू प्रॉब्लम नंबर टू। प्रॉब्लम नंबर टू थोड़ा लेंथी है, ओके, तो चलो रीड करते हैं, व्हाट इट इज गिवन, द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी इफ द मास ऑफ ए इज एम ए, जो ए का मास है उसको एम ए से इंडिकेट किया है, what is what must be the mass of b so that the value of g on b is half that of value of a, clear, don't worry, मैं आपको एक एक चीजें आराम से समझाऊंगा। सबसे पहले आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है दो रेडियस ऑफ प्लैनेट, तो हमें दो प्लैनेट गिवन है, एक छोटा प्लैनेट है, ओके, एक मैं रेड से बना देता हूं, एक बड़ा है, क्लियर, ये दो प्लैनेट है, ए वाला प्लैनेट ये है, ये बी वाला, क्योंकि यहां दिया है द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ, तो ए छोटा ही होगा, बी बड़ा होगा, ओके, सो ये, अब इसका मास जो होगा वो एम ए होगा, इसका जो मास होगा वो एम बी होगा, यस सर नो, और इनके रेडियस होंगे आर ए एंड आर बी, यस सर नो, तो यहां पर प्रॉब्लम समझ गए हम लोग। अब वापस रीड करते हैं, द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ, सो आर ए मतलब रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ, सो वन बाय टू इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी, रेडियस ऑफ प्लैनेट बी, क्लियर। इसको ऐसे लिखते, जो पूरी लाइन है ना इसका मैंने क्या मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया है, द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज इक्वल्स टू हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी, क्लियर। सो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, आर ए बाय आर बी वॉट वन बाय टू, ओके, आर बी को यहां पर लेके आए हम लोग, सो ये आर ए बाय आर बी का आंसर आ गया। नाउ सेकेंड थिंग, हमें मास ऑफ ए चाहिए, ओके, मास ऑफ ए प्लैनेट ए का है, एंड मास ऑफ बी का हमें फाइंड आउट करना है,
क्लियर. नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दैट, और क्या गिवन है? व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ बी सो दैट द वैल्यू ऑफ जी ऑन बी इज हाफ. जी पर जो वैल्यू है, ओके, जी का जो वैल्यू है बी पर, ये बी है, ओके, इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ दैट ऑफ द वैल्यू ऑन ए. ओके, सो ये क्या हुआ, ग्रेविटी ऑन बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ग्रेविटी ऑन ए. ये हमें रिलेशन गिवन है. सो जो गिवन है और जो फाइंड आउट करना है उससे रिलेटेड हम एक फॉर्मूला ढूंढेंगे और अपना मैक्स अप्लाई करेंगे. क्लियर? सो स्टूडेंट, चलिए सबसे पहले आपको पता है कि मैं यहां पर स्टार्ट करता हूं प्रॉब्लम में. आप मुझे बताइए, जी गिवन है, आर और मास, तो ऐसा फॉर्मूला जो बाकी चीजों को कनेक्ट करता हूं वो फॉर्मूला है एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी का. जी का फॉर्मूला क्या कहता है, जी इक्वल्स टू व्हाट, जी कहता है कि इसका फॉर्मूला है जी, कैपिटल जी, मास और अर्थ का रेडियस के स्क्वायर के बराबर होता है. यस अनु, ये फॉर्मूला याद है आपको? देखिए, जी इक्वल्स टू जी एम बाय आर स्क्वायर. यस अनु, मैंने वही फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया है, स्मॉल जी इक्वल्स टू कैपिटल जी एम बाय आर स्क्वायर. ये मैं ए के लिए ले लेता हूँ, तो यहां पर ए इंडिकेट करता हूं, सबस्क्रिप्ट, यहां भी मास ऑफ अर्थ, सॉरी मास ऑफ ए और रेडियस ऑफ ए. जी क्यों नहीं, जी तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है. ओके, अब इसको डिवाइड कर देता हूं मैं दूसरे फॉर्मूले से. अब यहां भी मैं क्या लेता हूं, जी ऑफ बी, और यहां भी सेम जी एम बी बाय आर बी का स्क्वायर. क्लियर? ओके, यहां पर मैंने दोनों का फॉर्मूला लिख दिया, एक बार ए के लिए एक बार बी के लिए. क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखो मैं क्या करने वाला हूं. अब ये एम ए, ये एम बी, ये आर ए, ये आर बी, तो यहां पर जो जी है वो कैंसिल हो जाएगा डिवीजन में क्योंकि वो कांस्टेंट है. अब क्या बचा मेरे पास, मेरे पास बचा जी ए बाय जी बी. ओके, जी ए बाय जी बी इक्वल्स टू एम ए, और ये एम बी नीचे है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एम ए बाय एम बी. यस आर नो? ओके, और यहां देखिए आप, आर ए नीचे है और आर बी मतलब डिनोमिनेटर के नीचे, के नीचे है, डिनोमिनेटर के नीचे, अंदर डिनोमिनेटर है, तो ये आर बी ऊपर चला जाएगा. सो ये आर बी बाय आर ए द होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों रेडियस का स्क्वायर है. क्लियर? बस अब वैल्यू पुट करो और आपका आंसर तैयार है. अब जी ए बाय जी बी आप देख सकते हो, यहां पर जी बी इक्वल टू हाफ ऑफ जी ए, मतलब यहाँ पर जी ए बाय जी बी चाहिए, तो ये आप जी बी को यहीं रखिए, जी ए को यहीं रखिए, जी बी नीचे ले जाएगी तो ये टू पर आ जाएगा. ओके, मतलब जी ए बाय जी बी का आंसर कितना हुआ, टू. तो यहां पर मैं लिखने वाला हूं टू. ओके, एम ए बाय एम बी का आंसर कितना है, एम ए बाय एम बी का आंसर हमें नहीं पता तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे, एम ए बाय एम बी. ओके, अब आर बी बाय आर ए, वॉट, आर बी बाय आर ए. अब आर बी कहाँ है, ये रहा, आर ए बाय आर बी, इसका आंसर 1/2 है ए बाय बी का, बट मुझे बी बाय ए का चाहिए. सो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/1, दैट इज 2, इसका स्क्वायर है तो ये हो गया स्क्वायर. क्लियर स्टूडेंट्स? हमें ग्रेविटी गिवन थी, ग्रेविटी का रिलेशन से हमने उनका रेशियो पुट कर दिया, रेडियस का रिलेशन पुट कर दिया, और यहां पर हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया है. आफ्टर दैट बस छोटा सा मैक्स अप्लाई करना है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व. सो यहां पर टू इक्वल्स टू एम ए बाय एम बी इंटू टू का स्क्वायर 4. ओके, सो एम बी इक्वल्स टू, एम बी को यहां पर लेके आ जाइए, एम बी इक्वल्स टू एम ए इंटू 4, 2 यहां पर आ जाएगा. ओके, 2 1 2, 2 2 4. सो बताइए एम ए का आंसर, एम बी का आंसर कितना हुआ, एम बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स एम ए, मतलब जो बी वाले प्लैनेट का मास है वो ए वाले प्लैनेट के मास का डबल होगा. ओके, सो हमसे यही पूछा था, ओके, कि एम बी कितना होगा. यस, हमने पता आ दिया, एम बी इज डबल ऑफ एम ए. क्लियर? सो ये आपका सॉल्व हो गया, ये आपका आंसर है. क्लियर स्टूडेंट्स? बहुत बेहतरीन था, कंसेप्चुअल था. हमने क्या किया, रेडियस गिवन था और
एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी का रिलेशन गिवन था, हमने ऐसा फॉर्मूला ढूंढा जो दोनों को कनेक्ट करता हो, फॉर्मूला पुट किया, रेशियो लिया और सब्स्टिट्यूट कर दिया, और यहां पर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व। ओके वेरी गुड, चलिए अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर टू वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर थ्री। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री आपके यहां पर तैयार है, बी रेडी। दिस इज क्वेश्चन नंबर थ्री फॉर यू। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहता है, द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन वेयर ऑन अर्थ आर 5 kg एंड 49 kg रेस्पेक्टिवली, वॉट विल बी देयर वैल्यूज ऑन द मून। अज्यूम दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ, जो कि होता ही है। ओके मतलब जो मून पे ग्रेविटी है ना, वो अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 होगा। क्लियर? ओके नाउ यहां पर हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं, यहां से मेरा आंसर स्टार्ट होगा। अब वापस से रीड करते एक बार आराम आराम से, द मास एंड वेट ओके ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ आर 5 kg एंड 49 newton। सो मैं यहां पर लिखने वाला हूं क्या मास, सो लिखता हूं चलो मास ऑन अर्थ एम ई से इंडिकेट करते हैं, कितना है 5 kg। ओके वॉट एंड वेट, सो यहां पर वेट से इंडिकेट करता हूं, वेट क्या है, वेट ऑन अर्थ 49 newton, और आप जानते हो वेट क्या होता है, वेट होता है फोर्स। ओके सो एक्चुअली ये फोर्स गिवन है एफ ई। ओके सो ये वेट हो गया, क्योंकि व्हाट इज वेट, मैंने समझाया था वेट ऑब्जेक्ट का वो होता है कि अर्थ उसको कितने फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ओके सो ये मास एंड वेट हो गया। अब आगे ये पूछा है व्हाट विल बी देयर वैल्यू ऑन मून, सो मून पर मास ऑन मून कितना होगा, एंड वेट भी मून पर, डब्ल्यू मतलब वेट, एम इंडिकेट्स मून पर, इसका वैल्यू भी हमें निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, और क्या गिवन है रिलेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। ओके सो जी ग्रेविटी ऑन मून इज व्हाट, कितना होता है 1/6 दैट ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये रिलेशन भी हमको गिवन है। अब अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर टू देखा होगा तो उसमें मैंने आपको मास से रिलेटेड, मास और वेट से रिलेटेड काफी चीजें सिखाई है या समझा दी है। ओके तो यहां पर वही कंसेप्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास, मास हाँ द अमाउंट ऑफ मैटर इन द एनी ऑब्जेक्ट, वो अर्थ पर और मून पर सेम होगा, यस नो, मतलब क्वेश्चन और सही समझ में आता है, मास ऑन अर्थ इक्वल्स टू मास ऑन मून विल बी द सेम, दैट इज 5 kg। ये प्रॉब्लम यहीं पर सॉल्व। ओके तो मून पर हमें पता चल गया ऑब्जेक्ट का मास नहीं बदलेगा। ओके तो मास उतना ही होगा जो कि अर्थ पर है, और वो है 5 kg। अब मेरा जो मेन फैक्टर बाकी है वो है वेट। ओके हमें ये निकालना है, वेट पर ध्यान देते हैं हम लोग। अब वेट के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है कि आपने देखा होगा यहां पर व्हाट इज वेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यस नो। और ये समझो मैं मून के लिए लिख रहा हूं मास ऑन मून, ओके ग्रेविटी ऑन मून, सेम मैं डिवाइड कर दूंगा वेट फॉर अर्थ इक्वल्स टू मास, चलो ये मून के लिए तो मून के लिखता हूं, ये अर्थ के लिए, और ये ग्रेविटी ऑन अर्थ। क्लियर, मैंने जो फॉर्मूला अप्लाई होगा मून पर और जो फॉर्मूला अप्लाई होगा अर्थ पर, दोनों को डिवाइड कर दिया है और कुछ भी नहीं किया। ओके अब जैसा कि आप जानते हो मास ऑन मून एंड मास ऑन अर्थ सेम होता है, सेम चीज कट हो जाती है तो कट हो गया। ओके नेक्स्ट थिंग, वेट ऑन मून गिवन है क्या, नहीं, ये तो हमें पता करना है, वेट ऑन मून ओके अपॉन वेट ऑन अर्थ गिवन है क्या, हाँ 49 newton इक्वल्स टू आफ्टर दैट व्हाट, ये gm/ge, क्या gm/ge का रिलेशन गिवन है, हाँ चलो इसको तो क्लियर से लिख देते हैं, ये gm ऐसे का ऐसे ही लिखा, ge को यहां लिख दिया, ओके क्या बचा 1/6, यस नो, दैट मीन gm/ge का वैल्यू कितना है 1/6, चलो पुट कर दो। ओके
यहां पर बचा 1/6। अब हमें वेट ऑन मून चाहिए, तो वेट ऑन मून यहीं पर रखा, 1/6 यहीं पर, 49 ऊपर। सो 49 वन 49 डिवाइड बाय 6। अब 49 और 6 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा वेट ऑन मून इज व्हाट, कितना आने वाला है 8.166666। कंटिन्यू, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। अब मैं क्या करूंगा, किसी 6 को ना राउंड ऑफ कर दूंगा। ओके तो इसको यहाँ राउंड ऑफ किया, तो 6 अगर रिमूव करना है तो 6 क्या करेगा, +1 इंक्रीमेंट करेगा। ओके प्री 1 को, और खुद रिमूव हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 8.17, 6 बिकम 7 वॉट न्यूटन, क्योंकि वेट मतलब फोर्स होता है, और यहां पर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, था मजेदार। तो ये आपका रहा मेन आंसर जिसके आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। नेवर फॉरगेट, हमेशा एग्जाम ऐसा लिखा करो। क्या पूछा है, व्हाट विल बी देयर वैल्यूज ऑन द मून। सो कौन सी वैल्यू, ये मास ऑन मून, व्हाट 5 kg एंड व्हाट वेट ऑन मून, सेम ऑब्जेक्ट, कितना आया 8.17 न्यूटन। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, दिस इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके बहुत इजी क्वेश्चन था, हमें ग्रेविटी का रिलेशन गिवन था, ओके और हमें मास एंड वेट गिवन था। सो हमने कह दिया मास सेम होता है, और सेकेंड का वेट निकाल लिया बाय सिंपल फॉर्मूला, वेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन से। क्लियर, ओके। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 3, वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। सो ये आपके सामने उपस्थित है क्वेश्चन नंबर 4। ओके सो गाइस बी रेडी, हमारे पास काफी सारे क्वेश्चन है, और जैसा कि हमने लेक्चर अटेंड किया है तो हमें ये प्रॉब्लम करते वक्त मजा आना चाहिए। ओके काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है, रीड करते हैं। एन ऑब्जेक्ट थ्रो वर्टिकली अपवर्ड, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया, रीचेस अ हाइट ऑफ 500 मीटर, व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी, हाउ लॉन्ग विल बी द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ। अज्यूम जी का वैल्यू गिवन है 10 m/s², एक्चुअली 9.8 होता है, बट इन्होंने कहा कि आप अज्यूम करो 10 बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। नाउ वापस से क्वेश्चन को समझा देता हूं मैं, डोंट वरी। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक ऑब्जेक्ट, ये हमारा समझो अर्थ है। ओके सो ऑब्जेक्ट कहां फेंका, वर्टिकली अपवर्ड, ये ऑब्जेक्ट ऊपर गया, ठीक है, अपवर्ड फेंका, तो कितना रीच करता हाइट, हाइट कितना रीच करता है 500 मीटर। ओके एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी, तो आपने जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, कितनी वेलोसिटी से आपने ऊपर इसको थ्रो किया, ये पता करना है आपको। ओके और टाइम कि ये ऊपर जाके, एक्चुअली ये यहां से जब ऊपर जाएगा और वापस नीचे आएगा तो ये कितना टाइम लेगा, और आपको इसका टाइम पता करना है। सो आप याद रखिए, जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना टाइम नीचे आने में भी लगेगा, दैट मीन्स T1 और T2 सेम होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ बी रेडी, इतना समझ में आया। ओके आगे चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रीच अ हाइट ऑफ 500, तो हाइट लिखते हैं हम लोग, एच कितना, एच ही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, एच इंडिकेट डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर हाइट के लिए एच, सो दिस इज व्हाट 500 मीटर। और क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी पता करनी है, और हाँ चलो एक और बात, अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो फास्ट, मतलब पहले फास्ट जाएगा फिर स्लो 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 होते तो हम जीरो हो जाएगा, अगेन फास्ट होगा। ओके तो एक्चुअली इनिशियल वेलोसिटी हाई होगी और फाइनल वेलोसिटी जीरो, मतलब यहां पर जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, जीरो। सो ये अंडरस्टूड है कि फाइनल वेलोसिटी 0 m/s होगी, और जी का वैल्यू इन्होंने कहा है लेने के लिए 10 m/s². ओके अज्यूम करने के लिए कहा है, तो चलो गिवन डेटा है, क्या पता करना है, और क्या पता है इससे रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। समझ में आया ना, मैंने यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझा दिया आपको।
सो फॉर्मूला क्या लगेगा अभी आप बताइए। यहां पर तीन काइनेमेटिक इक्वेशंस है, उसमें से कोई एक लगेगा, VUAT ये एक है, ओके। दूसरा है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और है V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। तो अब ऑब्जेक्ट ऊपर गया है, तो याद करो मैंने बताया था अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो हम एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेंगे। तो मैं यहां पर थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन सॉल्व करूंगा, क्यों? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, एक्सेलरेशन 10 दिया है और हाइट दैट इज एस डिस्प्लेसमेंट गिवन है। सो थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके। सो बाय थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन, ओके। सो वो क्या है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर व्हाट माइनस आएगा, माइनस 2G एस, एस देखो या हाइट लिखो की बात है, ये मल्टीप्लाई का। तो फाइनल वेलोसिटी आप जानते हो कि क्या है, 0, ओके। सो ये यू स्क्वायर माइनस 2GS, सो यू स्क्वायर इक्वल्स 2GS हो जाएगा, सो यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2GS। अब वैल्यू पुट करते हैं, यू तो पता ही नहीं है हमें, ओके, 2 का 2, जी का वैल्यू 10 एंड व्हाट एस का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, 500। सो एस का वैल्यू पुट करते हैं 500, 500 टू से कितना हो गया 1000, 1000 10 जा व्हाट 10000। सो ये आपका 10000 यू स्क्वायर का आंसर आ गया, बट हमें तो यू चाहिए, सो व्हाट इज यू, टेकिंग अंडर रूट, सो यू का आंसर आ जाएगा, या 40 है तो 20 हो जाएंगे और ये 1 बिकम 1। सो यू वेलोसिटी है तो ये मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी था। अभी तक ये ना हाफ प्रॉब्लम सॉल्व हुई, सो आगे चीजें बाकी है। और क्या कहा गया था, कहा गया था कि आपको टाइम बताओ कि ये पूरा जो पाथ है कवर करने के लिए टाइम कितना लेगा। तो मैंने बताया था T1 टाइम ऊपर जाने को, T2 टाइम नीचे आने को, और T1 T2 सेम होगा। तो सबसे पहले मैं कोई एक टाइम पता करता हूं, ओके। सो चलो टाइम निकालना है फॉर्मूला, फर्स्ट काइनेटिक इक्वेशन अप्लाई करेंगे। बॉट अभी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, इनिशियल पता कर गई, एक्सेलरेशन टाइम के थ्रू हम टाइम निकाल लेंगे, ओके। नाउ व्हाट इज फर्स्ट काइनेटिक इक्वेशन, वी इक्वल्स टू यू, अब ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा था, ऊपर, तो हम लेंगे माइनस जी इंटू टी, हाँ कि ना, ओके। ये 0 है, सो ये 0 इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, तो मैं लिख सकता हूँ यू इक्वल्स टू जी टी, यहाँ पर T1 रिप्रेजेंट करता हूँ, व्हाट T1, क्यों, क्योंकि मत माना ये ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट, ओके। सो यू का वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट, 100, सो ये 100, जी का वैल्यू 10 लिया, T1 बिकम T1, सो T1 का आंसर आया 100 डिवाइड बाय 10, सो T1 का आंसर आता है 10 सेकेंड। क्लियर, मतलब ऊपर जाने के लिए जो टाइम लग रहा है वो 10 सेकेंड है, तो नीचे आने के लिए जो टाइम लगेगा वो क्या होगा, 10 सेकेंड ही होगा। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं T2 इक्वल्स टू ऑल्सो 10 सेकेंड। क्लियर, अब टोटल टाइम कितना हुआ, सो यहां पर लिखने वाला हूं मैं टोटल टाइम, क्या कहा है, हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक। सो टोटल टोटल टाइम टेकन, ओके, सो टी इज अ टोटल टाइम जो कि इक्वल होगा T1 ऊपर जाने के लिए, T2 वापस नीचे आने के लिए, ये भी 10 और ये भी 10, कितना हो गया 20 सेकेंड, ओके। सो टोटल टाइम कितना लगा स्टूडेंट्स, 20 सेकेंड्स। सो आंसर लिख देते हैं यहां पर, सो इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड फेंकेगा तो उतना ऊपर जाएगा, और जो टाइम लगेगा वो होगा 20 सेकेंड। क्लियर, ये हमारी प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व हो गई है। हमने अब तक टोटल 4 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, वो भी डिटेल्स में, क्वेश्चन को समझा, डायग्राम ड्रॉ किया और आगे चलते 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 रहे, ओके। एक और बता दूं, हमने हमें अर्थ एक कोई भी प्लैनेट था, एक ऑब्जेक्ट ऊपर गया तो हमने क्या लिया, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या लिया, माइनस जी लिया, और हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, ओके। काइनेमेटिक इक्वेशन से सॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम, ओके। सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम,
can be solved by kinematic equations. Now, question number 4 के बाद question number 5. तैयार रहिए. So, question number 5. अब ये question और ज्यादा interesting है और मजेदार भी. So, question number 5 को वापस रीड करते हैं और हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन. सो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अ बॉल फॉल ऑफ अ टेप. ओके, क्या कहता है? अ बॉल फॉल्स ऑफ अ टेबल एंड रीचेस द ग्राउंड इन 1 second. अज्यूमिंग जी 10 m/s², कैलकुलेट द स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड एंड द हाइट ऑफ द टेबल. क्वेश्चन मजेदार है. चलो मैं इसका डायग्राम बताता हूँ. देखो फिजिक्स में ना, मोस्टली साइंस में जो भी चीज़ें हैं ना, उसको प्रैक्टिकल जब तक आप समझते नहीं, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे. तो ये प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये मेरा टेबल, ठीक है, समझ लो ये टेबल ही है मेरा. ये रहा टेबल. अब इस टेबल पे क्या है? अ बॉल, एक बॉल है. ओके, यहाँ पर एक बॉल है. अब ये बॉल गिरने वाला है. ओके, अ बॉल फॉल ऑफ अ टेबल एंड रीच द ग्राउंड इन 1 second. टाइम कितना लगा? टाइम लगा 1 second. 1 second में बॉल अर्थ पर टच कर जाता है. अज्यूमिंग जी का वैल्यू दिया 10. जी का वैल्यू कितना? 10 m/s². कैलकुलेट इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड. मतलब अब देखिए, अब यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअली इनिशियल रुका ही होगा. सो इनिशियल वेलोसिटी क्या? 0. इनको चाहिए कि जब ये ग्राउंड टच करेगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी. ओके, सो फाइनल वेलोसिटी वी हैव टू कैलकुलेट एंड हाइट ऑफ द टेबल. और एक चीज पता करनी है कि इस टेबल की हाइट क्या है. ओके, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं या एच हाइट से इंडिकेट भी कर सकते हैं. सो ये दोनों चीजें हमें पता करनी है. समझ में आया स्टूडेंट्स? बहुत मजेदार है. सो हमें पता करनी है फाइनल वेलोसिटी क्वेश्चन मार्क, और पता करना है एस या हाइट, डिस्प्लेसमेंट या हाइट. ये हमारा मेन टास्क है. ओके, अब टास्क शुरू होते ही हम दिमाग लगाएंगे अपने क्वेश्चन पे. ये मैं बार बार आपको दिखा दे रहा हूं, बट ये आपके दिमाग में होना चाहिए. ओके, सो देखिए आपके पास यहां पर क्या है? टाइम है, ग्रेविटी है, वी पता करना है. कौन सा इक्वेशन? पहला, वी इक्वल्स टू जीटी लगेगा. ओके, तो लिखता हूं मैं यहां पर, देखते जाइए अपने. सो फर्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन क्या सॉल्व हो जाएगा? व्हाट? वी इक्वल्स टू यू प्लस जीटी एक्सेलरेशन ऑफ टी. ओके, वी हमें पता करना है. ओके, यू कितना है? यू तो इनिशियल 0. प्लस जी कितना है? जी का वैल्यू लिया 10 m/s². यहां पुट किया 10 और टाइम है 1 second. सो देखो 0 तो 0 ही है, 10 वंस आर 10. व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी? 10 m/s. बहुत ही ज्यादा इजी था. ओके, अब करते करते हमें भी याद लग गया सब चीजें. सो ये हमारा फर्स्ट सॉल्व हो गया. अब सेकंड क्या पता करना है? हाइट. सो हाइट के लिए सोचिए कौन सा रहेगा फॉर्मूला. हाइट के लिए फॉर्मूला होगा फॉर्मूला नंबर 2. ओके, सो एस हाइट इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ 80 स्क्वायर, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो बाय सेकंड काइंड ऑफ इक्वेशन से हम सॉल्व करने वाले हैं व्हाट एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. क्लियर? सो एस मतलब एक्चुअली हमारी हाइट. ओके, यू का वैल्यू 0 तो टाइम के साथ 0, प्लस हाफ की जगह पर हाफ, जी का वैल्यू 10 और टाइम है 1 second, तो 1 second का स्क्वायर 1 second. ओके, सो उसको 2 से कट करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा. सो व्हाट इज हाइट? हाइट इक्वल्स टू 5 m. क्लियर? बहुत इजी प्रॉब्लम थी. सो यहाँ पर आंसर लिखेंगे हम व्हाट द फाइनल वेलोसिटी. v इज इक्वल्स टू 10 m/s. ओके, एंड व्हाट हाइट ऑफ टेबल इज 5 m. 5 m ऊंचा टेबल है. तो ये समझ में आ गई? देखो यहां पर सिंपल प्रॉब्लम, मतलब जो डेली चीजें होती है, टेबल होता है, बॉल गिरता है, कितना टाइम लगा, कितनी स्पीड से गिरा, और कितना हाइट है, यही सब प्रॉब्लम है. अगर आप ये सब करना सीख गए ना, अरे मजेदार है सब चीजें. आई लव द फिजिक्स एंड आई लव द साइंस एंड मैथ्स ऑल्सो. हाँ, मेरा बहुत इंटरेस्टिंग है.
सो ये पूरा हो गया। सो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। हमारे पास दो क्वेश्चन और है, काफी पैशन से आप लोग रुके हैं यहाँ पर, पढ़ रहे हैं मेरे साथ, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। सो ये बहुत अच्छी बात है, कंप्लीट ऐसा करते रहिए। वेल एंड डू। एंड क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। तो ये यहाँ पर हमने टोटल 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ओके, अब हम न्यू पेज लेंगे और क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे। ओके, सो ये रही आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 का पेज, क्वेश्चन नंबर 6। क्या नाउ क्वेश्चन नंबर 6 रीड करते हैं। हाँ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। सो स्टूडेंट स्टार्ट। व्हाट द मास ऑफ द अर्थ एंड मून आर 6 × 10^24 kg एंड 7.4 × 10^22 kg रेस्पेक्टिवली। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3.84 × 10^5 किलोमीटर। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू। ओके, सो इसे फिर अच्छे समझते हैं हम लोग। मेरे पास एक बड़ा सा क्या है, मास ऑफ द अर्थ एंड मून। हमारे पास एक है अर्थ, ये हमारी अर्थ। ओके, ये अर्थ हो गई, और एक छोटा सा मून है हमारे पास, एक्चुअली है काफी बड़ा बट है तो छोटा ही। ओके, सो ये हमारा हो गया मून। ओके, सो अर्थ को इसे रिप्रेजेंट किया और मून को एम से। द मास ऑफ द अर्थ, तो अर्थ के मास को मैं एम ई से रिप्रेजेंट करूंगा। ओके, क्या गिवन है, 6 × 10^24 किलोग्राम, और मून का मास दिया है, तो मून के मास को एम एम लिखता हूं, मास ऑफ मून। व्हाट 7.4 × 10^22 किलोग्राम, यस आर नो? ओके, देखो आप 10^22, 10^24 मतलब मून अर्थ से 100 टाइम्स, ऑलमोस्ट 100 टाइम्स छोटा है। ओके, छोटा मतलब मास में, मास का कंपेरिजन कर रहे हैं हम लोग। रेस्पेक्टिवली द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3.84 × 10^5 किलोमीटर। ओके, सो जो डिस्टेंस है ना स्टूडेंट्स, अर्थ के सेंटर से लेकर मून का जो सेंटर के बीच डिस्टेंस है उसको हम आर से इंडिकेट करेंगे। किससे? आर। उसका वैल्यू कितना गिवन है, व्हाट आर का वैल्यू है 3.84 × 10^5 किलोमीटर। क्या किलोमीटर में गिवन है, बट हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है मैंने हर एक डिस्टेंस को मीटर में लिया है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे 3.84 × 10^5। ओके, 10^3 से मल्टीप्लाई किया तो सब कुछ मीटर में हो जाएगा। अब ये 5 और 3 8 हो जाएगा, सो दिस इज 3.84 × 10^8 मीटर। ये है आर। आर मतलब डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। ओके, तो ये सन सॉरी अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस है। और क्या पूछा है, कैलकुलेट करो ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स बिटवीन व्हाट मून एंड अर्थ में पता करना है। ओके, हमको जी का वैल्यू गिवन है, जी का वैल्यू गिवन है 6.7। ओके, × 10^-11 लेना है, इसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, सो बहुत इजी है, कुछ नहीं, दो ऑब्जेक्ट है, उसके पहला ऑब्जेक्ट अर्थ, दूसरा ऑब्जेक्ट मून, उसके बीच का डिस्टेंस जी और फोर्स निकालना है, बहुत इजी है। तो चलो करते हैं। यहां पर हम फॉर्मूला लिखेंगे, एफ इक्वल्स टू जी मास ऑफ वॉट अर्थ इंटू मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का स्क्वायर। ओके, सो आफ्टर दैट वैल्यू पुट करते हैं फटाफट 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 फटाफट। एफ चाहिए ना हमको। ओके, मैं एफ चाहिए, एफ इक्वल टू वॉट, जी का वैल्यू कितना है 6.7 लेने को कहा है, × 10^-11 ये जी का वैल्यू। अब मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ कितना होता है, 6 × 10^24, यस आर नो? यस सर। इनटू मास ऑफ मून कितना है, मास ऑफ मून है 7.4 × 10^22 किलोग्राम। आफ्टर दैट डिवीजन में द होल डिवीजन होता है कितना, आर का स्क्वायर। अब रेडियस कितना है,
इट इज ए 3.84 इंटू 10^2 वॉट 8 का स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर। यस आनो, बस कुछ नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अभी आपके हाथ में है इसको मल्टीप्लाई करना और सॉल्व करना, बट मैं आपकी छोटी सी हेल्प कर दूंगा, ठीक है? पहले हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पावर्स को इंडेक्स और पावर ऑफ इंडेक्स के थ्रू सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले आप लीजिए नंबर से, नहीं 6.7, 6 और 7 को मल्टीप्लाई कीजिए, ओके? बाद में 3.84 का स्क्वायर निकालते हैं और फिर 10^2 का स्क्वायर हो जाएगा। सो यहाँ पर लिखने वाला हूँ मैं 6.7, 6 और 7.4 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसको एक साथ ले लो, 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4, ओके? और पावर को एक साथ, तो 10^2 कितना है, -11, यस नो? और ये है +24 और ये है +22, तो ये पावर आपको पता ना, हाँ पावर ऊपर ऐड हो जाएंगे। डिवाइड में यहाँ पर 3.84 का स्क्वायर बताइए क्या होता है। सो 3.84 का स्क्वायर होता है 14.7456 होता है। अब 10^8, 8 और 2 क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। सो 8 टू जा 16 इंटू 10^16, क्लियर? ओके, अब यहां पर आप देखते रहिए, बहुत इजी है। इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4, सो आपका आंसर आएगा 297.48 डिवाइड बाय 14.7456, क्लियर? और आप इस पावर को सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा कितना, ये 22, ये 40, कितना 4, तो 6, 6 और ये 46, 46 में से -11 गया 35, 10^35, ओके? एंड ये 10^2 जो ये 16 है, अगर ऊपर जाएगा तो 16 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाते ही -16 हो जाएगा। ये आप याद रखो, अगर 10 का पावर जो नीचे है ना, ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है, ओके? अब इनको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 10^35 में 16 गया आएगा 19। और अब इस डिवीजन को सॉल्व करना है, तो आपको ही सॉल्व करना है डिवीजन को। इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा ऑलमोस्ट 20.1741, क्लियर? अब इस पावर को सॉल्व किया तो 10^2 कितना आया था आपका, 19, क्लियर? ओके, सो 10^19 आ गया, ये हमारा फोर्थ। अब इसको थोड़ा और सिस्टमेटिक लिख देते हैं। अगर ये 20 को मैंने 2 लिख दिया, ओके, तो यहां इसको 20 को छोटा किया 2 से, मतलब 10 टाइम्स, तो इसको 10 टाइम्स बड़ा करना पड़ेगा, तो 19 बिकम 10^2 2.01741 इंटू 10^20 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ओके? याद रखो, इसको आप अप्रोक्सीमेट लिख सकते हो 2 × 10^2 W 20 N, ओके? 2.0174 को आप 2 लिख सकते हो, चलेगा। तो ये फोर्स आ गया, फोर्स का इतना आ गया, मतलब अर्थ और मून के बीच में जो फोर्स है वो है 2 × 10^20 N, बहुत ज्यादा फोर्स होता है, हाँ? तो ये हमने अर्थ और मून जैसे बड़े ह्यूज मास के बीच का फोर्स निकाल लिया। ये हमारा मेन टास्क था और ये सॉल्व, क्लियर? काफी मजेदार प्रॉब्लम थी, जस्ट फॉर्मूला वैल्यूज निकाली और पुट कर दी, तो यहां पर प्रॉब्लम सॉल्व। अब हम करने वाले हैं लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व। पूरा धीरज रखो, धैर्य रखो और नाम लो भगवान का और करते जाओ। प्रॉब्लम फिजिक्स की। सो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द मास, रुक जाइए, द मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10^24 kg। अब देखो पढ़ते पढ़ते ना याद हो गया, अर्थ का मास कितना है, 6 × 10^24, द रेडियस बिटवीन द अर्थ एंड सन। पहले मून और अर्थ था, अभी अर्थ और सन, ओके? सो मैं यहां पर पहले प्रॉब्लम समझा ही देता हूं। यहां पर अभी हमारा हो गया ये सन, आग का गोला, ओके? ओके, और यहां पर हम छोटी सी बनाएंगे अर्थ, ये हमारी प्यारी सी अर्थ। अब ये एस फॉर सन एंड ई फॉर अर्थ, यस आर नो? ओके, सो ये हमारा अर्थ और सन बन गया, ओके? अब अर्थ का मास दिया है एंड डिस्टेंस बिटवीन देम दिया, मतलब इसका सेंटर और अर्थ के सेंटर में जो डिस्टेंस जो है ना स्टूडेंट्स, सेंटर से हम डिस्टेंस निकालते हैं उसको मैं आर से इंडिकेट करता हूँ। किससे, आर से इंडिकेट करता हूँ, क्लियर? तो मुझे आर का वैल्यू गिवन है 1.5 × 10^11 मीटर।
और एक और बात थी, इफ द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द टू इज 3.5 इंटू 10^22 न्यूटन, ओके, मतलब यहां पर मुझे फोर्स गिवन है, इन दोनों में जो फोर्स लगेगा ना, ओके, वो फोर्स का वैल्यू गिवन है, ओके, तो मुझे क्या निकालना है, वॉट इज द मास ऑफ सन, तो आपको सन का मास निकालना है, ओके, सो आपका टारगेट है द मास ऑफ सन हैव टू कैलक्यूलेट, क्लियर, ओके, सो देखो आपको आपने सोचा होगा सन का मास ना हम लोग एक बड़े से तराजू पर या बैलेंस पर रखते होंगे और मेजर करते होंगे, ऐसा नहीं होता है, वहां पर एक अलग अलग सिस्टम होते हैं कि हम लोग ग्रेविटेशन के थ्रू हम लोग बड़े बड़े प्लैनेट स्टार सन के मास कैलकुलेट करते हैं, ओके, साइंस के थ्रू, सो वी रेडी, इम्पॉसिबल चीजें पॉसिबल हो पाती है बिकॉज ऑफ साइंस, सो ध्यान रखिए आप, तो चलिए मैं डेटा लिखता हूं, द मास ऑफ द अर्थ इज वॉट, सो मास ऑफ अर्थ को ई से इंडिकेट करता हूं, जिसका वैल्यू 6 × 10^24 किलोग्राम है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर इज व्हाट 1.5 × 10^11 न्यूटन, इफ द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन देम, फोर्स गिवन इज बार 3.5 × 10^22 न्यूटन, व्हाट इज द मास ऑफ सन, मास ऑफ सन फाइंड आउट करना है, ओके, एकदम सिंपल फॉर्मूला, वही वाला जो हमने लास्ट टाइम यूज किया, फोर्स जी एम एम, सॉरी फर्स्ट सन का, फिर अर्थ का, फिर डिस्टेंस का स्क्वायर, बस यहां पर फॉर्मूला लिखने वाला हूं मैं, ओके, तैयार, एफ इक्वल्स टू जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ सन, एम एस मतलब मास ऑफ सन, नॉट एम एस धोनी, हाँ ठीक है, अपॉन आर का स्क्वायर, क्लियर, नाउ स्टूडेंट्स चलो वैल्यू पुट करते हैं, इस बार हमें क्या निकालना है, एम एस निकालना है, हमारे पेन कहाँ चली गई, ये रही, तो इस बार मुझे एम एस निकालना है, ये मेरा टारगेट है, तो इसको वन साइड रखो, बाकी को अनदर साइड रख के स्टार्ट करते हैं, ओके, यहाँ पर एफ रखा, आर स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई, जी एम नीचे आ जाएगा, ये जी कॉन्स्टेंट, और ये एम ई मतलब अर्थ का मास, यहाँ पर एम एस रह गया अकेला, बस यहाँ की सबकी वैल्यू पता है, पुट करो और आपका आंसर मिल गया, बहुत ईजी है लास्ट वाले की तरह, बट मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प हर बार की तरह करता रहूंगा, F का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, F का वैल्यू 3.5, सो दिस इज व्हाट 3.5 × 10^22, ओके, इंटू आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है 1.5, सो दिस इज 1.5 × 10^11, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, डिवाइड बाय जी, जी का वैल्यू कितना आपका है, जी का वैल्यू लेना है हमको 6.7 × 10^11 अर्थ, सॉरी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू है, 6.7 × 10^-11 है, याद रखो भूलना नहीं वरना रॉन्ग हो जाएगा, अर्थ का मास एम ई, अर्थ का मास कितना होता है 6 × 10^24, 6 के बाद 24 जीरो लगाओगे तो उतना अर्थ का मास होता है, और हमारे राइट हैंड साइड में है सन का मास, ये सिंपल कैलकुलेशन से सॉल्व हो जाएगा, तो चलो हेल्प कर देते हैं आपकी, सबसे पहले 1.5 का स्क्वायर बताइए, सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, चलो 3.5, 1.5 का स्क्वायर कितना होता है 2.25 होता है, ओके, 15 का कितना होता है 225, एक यहाँ पर एक के बाद डेसिमल है, दो के बाद डेसिमल लग जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व, सो 3.5 यहाँ का लिया, 2.25 यहाँ का, ओके, अब इसका पावर 10^22, इसका पावर अगेन 10^22, है ना, 11 × 2 = 22, ओके, द होल डिवाइड बाय 6.7 का मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले 6 से, और यहां पर भी हम करेंगे 10^-11 एंड 10^24, ओके, कितना है 24 में से 11 गया आएगा 10^13, सो इनटू 10^13, क्लियर, यहां पर है मास ऑफ सन, यस आर नो, ओके, पहले इसको मल्टीप्लाई करूंगा उसके पावर को अरेंज करूंगा, ओके, सो 3.5 को अगर मल्टीप्लाई किया 2.25 से तो आपका आंसर आ जाएगा व्हाट 7.87, ओके, तो यहां पर आपका आंसर आएगा 7.875 × 10^22 = 44, 10^+13 है ना, ऊपर जाएगा 10^-13, तो 10 को एक ही बार लिखेंगे 44 और -13,
डिवाइड बाय 6.7 को 6 जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो याद रखिए 40.2 आपका आंसर आता है। ओके सो ये आपको डिवाइड करना है और ये 44 माइनस 13 सब्ट्रैक्ट करो, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 1 गया 3, दैट इज 31। तो इसका डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा आपको व्हाट 0.1958 × 10⁻³० बनाता है। ओके व्हाट मास ऑफ द सन, क्लियर? नाउ अब इसको राउंड ऑफ करोगे जैसे इसको 0.19 है ना, अगर आपने डेसिमल को यहां शिफ्ट किया तो इसका आंसर आएगा 1.958 × 10⁻³० था, तो ये हो जाएगा 30, ये हो गया आपका मास ऑफ सन। तो यहां पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ओके तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स 1.95, अब इसको राउंड ऑफ करके ना 1.95 को 8 को अगर इसको किया, 8 को अगर राउंड ऑफ किया तो 5 बिकम 6, 1.96 हो जाएगा। तो आप यहां लिख सकते हो एम एस इक्वल्स टू वॉट 1.96 × 10⁻³० वॉट, किलोग्राम के ग्राम, किलोग्राम। ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। तो हमने पूरी 7 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, काफी मजेदार थी, काफी इंटरेस्टिंग थी, काफी मजा आया। थैंक यू आप लोग मेरे साथ पूरे 7 क्वेश्चंस के लिए रुके रहे, थैंक यू सो मच। अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम मैं कुछ और मजेदार टॉपिक्स लेकर आऊंगा मैथ्स या फिजिक्स पर। ओके सो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द बेस्ट, घर पर रहिए, सेफ रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय।